अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बीएनएम रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो का समापन, 4 दिनों में 2 लाख आगंतुकों ने लिया संपत्तियों का जायजा, कई ग्राहकों ने जीता लकी ड्रॉ। पनवेल के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन के पास आयोजित बीएएनएम रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो का सोमवार को समापन हो गया। 4 दिनों की प्रदर्शनी में 2 लाख से अधिक ग्राहकों ने संपत्तियों का जायजा लिया। बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग को ध्यान में रखकर यह प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो ग्राहकों और बिल्डर दोनों के लिए फायदेमंद रही। क्रेडाई बीएएनएम रायगढ़ का आज अंतिम चरण में मैं पहला थैंक्स आप मीडिया भाई बहनों का करना चाहता हूँ, जो 4 दिन से आप समझो हफ्ते से लगातार नवी मुंबई में आप लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग का जो आपने घर तक मैसेज पहुंचाया और लोगों ने आपका मैसेज पढ़कर ही यहाँ विजिट किया और अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, तो मैं पहला थैंक्स आपका करना चाहता हूं। और अफोर्डेबल के ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में काफ़ी लोगों का उत्साह भी बढ़ा और सबको ये ड्रो सिस्टम रखा, कार रखा, उसकी वजह से लोगों में भी एक उत्साह था कि हमें ये कार लगे ये, तो ऐसे इन्होंने सबने विश्वास पार्ट लिया और अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। हमने इतना विश्वास ही नहीं था कि हमें इतना हम 100 75 100 का हम सोच रहे थे, लेकिन फिर हमारे अंदर कमिटी मेंबर भी सोच रहे थे कि अभी 125 होगा 150 होगा। हमारे बुकिंग फॉर्म पूरे हो गए थे, हमने वापस बुकिंग फॉर्म्स नए छपवाए और 250 हमने क्रॉस किया है। हमने करीबन 125 करोड़ का बिजनेस भी किया है और हमें उम्मीद है कि और हम 150 करोड़ का बिजनेस क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक के चेहरे पे खुशी और हंसी थी, वो शायद सबसे ज़्यादा सक्सेस बयान करती है। सक्सेस को नंबर्स में कहना बहुत आसान है, बड़े बड़े नंबर्स कहना, बड़े बड़े विजिटर फुटफॉल कहना, पर जब यहाँ पर बच्चे बूढ़े और सभी लोग आते हैं और सबके चेहरे पे एक ज़ोरदार मुस्कान होती है, जैसा कि अभी पिछले आधे घंटे की सेरेमनी में देखा कि जब फर्स्ट विनर का अनाउंसमेंट हुआ जो ज़ोरदार तालियां बजी, इसका मतलब लोग एक दूसरे के लिए खुश है। शायद यही हमारी एग्जीबिशन कमेटी की सबसे बड़ी सक्सेस है। सक्सेस हुआ है शायद ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 दिनों में आपने एग्जीबिशन अटेंड किया और मैंने कई बार देखा कि मीडिया को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि पब्लिक इतना ज़्यादा था कि मीडिया को भी धक्का मुक्की के बीच में निकलना पड़ रहा था, तो शायद सक्सेस की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन जैसे फ्राइडे को पहला 19-20 बुकिंग मिली तभी मुझे लग गया ये एग्जीबिशन बहुत हिट है, क्योंकि पहला दिन तो हमेशा सेटल के लिए होता है, लेकिन पहले दिन लोगों ने आके 20 बुकिंग की, उसके बाद सैटरडे को बुकिंग, उसके बाद संडे को और मंडे को संडे से ज़्यादा, यानी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जैसा वसंत ने बताया कि वो 17 साल से देख रहे हैं, मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ, ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी जब हम लोग प्रेसिडेंट कन्वेनर कमेटी वाले सब मेंबर जब गुजरते थे और जो एग्जीबिटर के चेहरे दिखते थे, उस खुशी का जो हमको सुख मिल रहा था वो आपको शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो मेहनत इसलिए हर एग्जीबिटर खुश होना चाहिए। और इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ी खुशी थी हर स्टॉल पे माल बिका, ऐसा नहीं है कि इसका बिका इसका नहीं, हर और आप बिलीव नहीं करोगे हर स्टॉल ओनर पर्सनल फ़ोन कर रहे हैं, आपने देखा स्वागत करने आया कि नहीं, इन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा माल बिका। और ये सारे बिल्डर के लिए एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है एग्जीबिशन कि कोई मंदी नहीं है, कोई नेगेटिव मत फैलाओ, इससे अच्छा मार्केट इंडिया का कभी, और नवी मुंबई आज पूरा इंडिया कह रहा है कि नवी मुंबई जैसा मार्केट नहीं है, बस समझ के प्रोडक्ट बनाओ। जो ये इस एग्जीबिशन में सब ने बजट में अच्छा काम दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, सबका माल बिक रहा। वहीं सीनियर ट्रस्टी और प्रॉपर्टी एक्सपो के मार्गदर्शक वसंत भद्रा ने कहा
कि अब तक आयोजित 17 संपत्ति प्रदर्शनियों में से पनवेल का यह प्रॉपर्टी एक्सपो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सफल रहा। उन्होंने प्रदर्शनी में लाखों ग्राहकों के आने को भी बड़ी उपलब्धि बताई। ये तो पूरा मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे 17वां एग्जीबिशन मेरे हाथों से, मतलब BNM रायगढ़ और BNM नवी मुंबई का जो हम लोगों के कमेटी के हिसाब से हुआ है, उसमें आज तक जो ये एग्जीबिशन हुआ, ऐसा खुशी, ऐसा रिजल्ट आज तक मेरे को देखने को नहीं मिला। ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस। 4 दिन के अंदर हमको पब्लिक का क्राउड भी उतना मिला है और बुकिंग्स भी उतना हुआ है। हर एग्जिबिटर खुश है इसके पीछे, क्योंकि हर किस, जैसे बद्रीश भाई ने बोला आपको, आप कोई भी स्टॉल पे जाओ, उतना ही रस था कि उनका सबका माल बिक रहा। अफोर्डेबल ऐसा नहीं है, अफोर्डेबल के ऊपर का जो 1.60 CR का भी फ्लैट्स बिका है ये एग्जिबिशन के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं लो सेगमेंट वाले बेच रहे, ऊपर वाले भी माल बेच रहे हैं इसके अंदर। बता दें कि BNM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो में कुल 100 बिल्डरों ने हिस्सा लिया था और यहां 300 से अधिक बजट होम्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट पेश किए गए थे। इसे देखने के लिए 4 दिनों में 2 लाख से अधिक ग्राहक और आगंतुक आए। यहां बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं ने भी अपने स्टॉल लगाए थे, जिन्होंने ग्राहकों को लोन के लिए मार्गदर्शन किया। यहां कई ग्राहकों को लकी ड्रॉ में कार और बाइक्स भी मिली। उन्होंने भी इसे आम लोगों को घर दिलाने वाली और फायदेमंद प्रॉपर्टी प्रदर्शनी बताया। और बहुत ही अच्छा, मतलब अब जैसे अभी 2 महीने से मार्केट की सिचुएशन थी, रेगुलर बुकिंग्स नहीं हो रहे थे, जब यहाँ पे आज हम लोग 4 दिन में कम से कम 500 विजिटर्स हमें मिले हैं और हमारी 2 बुकिंग्स हुई है और 12 बुकिंग्स कंफर्म है, जो अभी संडे चेक्स मिलेंगे। सो रियली अप्रिशिएबल थैंक्स BNM टीम, फुल टीम, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है इतने शॉर्ट टाइम में, और थैंक्स अ लॉट। मतलब मार्केट में रिसेशन ऐसा भी नहीं बोल सकते, जितना माल बिका है और जितना फास्ट और अच्छी तरह से, क्योंकि BNM है तो विजिटर्स भी बहुत ही शांति से ये सोच सकते हैं कि नहीं, यहाँ रिलायबल बिल्डर है, कि बिल्डर एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये रिलायबल बिल्डर है जो 1.5 करोड़ या 1 करोड़ के फ्लैट इमीजिएटली टोकन देने में भी उनको हेजिटेट फील नहीं हो रहा है। सो दे फील लाइक या इट्स यू नो रिलायबल, BNM इज रियली रिलायबिलिटी। मैं सबसे पहले अपने कमेटी मेंबर्स का, सेकंड एग्जीबिटर्स का और हमारे मीडिया का और जिन लोगों ने यहाँ पर आके हमको उत्साह बढ़ाया, उन सब का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुली कि उन्होंने हमारा इतना बढ़ाया उत्सव के आज हमें लगता है कि हर बार एग्जीबिशन हम इसे अच्छा कर पाएंगे। बहुत 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 बढ़िया लगा मेरे को, बहुत मिला, बहुत मिला। अरे भावना बहुत लग रहा है, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया लगता है, एकदम बढ़िया। एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, रेडी पोजीशन भी हैं, रेडी टू मूव भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। एग्जीबिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्डर्स एसोसिएशन ने जो इनिशिएटिव लिया है रायगढ़ के लिए, काफ़ी अच्छा है, जिससे यहाँ के जो बायर्स वगैरह हैं उनको एक सिंगल रूफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए कि मैं बिल्डर एसोसिएशन को थैंक्स देता हूँ। ये जो एग्जीबिशन में मैं जो अपना प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में आया हूँ, इधर देखा 8-10 बिल्डर बिल्डिंग का ऑफिस में गया, उधर देखा कि 2-4 फ्लैट मेरे को पसंद हुआ, उसको हम घर में डिस्कशन करके आपको घर हम लोग लेंगे। हाँ अच्छा तो लगता है, इधर बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, इधर बहुत समय जो जाते थे टाइम लेता था घूमने के लिए, इधर क्या है ना थोड़ा एक ही जगह में देखने को मिल जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।